उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में खुलकर अखिलेश यादव और राजा भैया की तलखी सामने आई है। खुलकर अखिलेश यादव और राजा भैया की दुश्मनी सबने देखी है। आपको बता दे, जितने ज्यादा हमलावर इस बार अखिलेश यादव राजा भैया को लेकर दिखे, इस तरह के हमले आज तक अखिलेश ने किसी नेता पर नहीं बोले। एक के बाद एक लगातार अखिलेश यादव बूथ कैप्चरिंग से लेकर फर्जी वोटिंग तक का आरोप राजा भैया पर लगवा चुके हैं। राजा भैया के गढ़ कुंडा में जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। अखिलेश और राजा भैया के बीच चल रहे शीत युद्ध के खूब चर्चे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राजा भैया के नजदीकी संबंध थे, लेकिन अखिलेश और राजा भैया के बीच का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सपा अध्यक्ष और राजा भैया के बीच की अदावत उस समय उभर कर सामने आई जब अखिलेश ने मीडिया के सवालों पर राजा भैया को पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा, कौन है राजा भैया? अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान राजा भैया पर जमकर हमला बोला, चुनाव आयोग से वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें की, केंद्र पर बैठे एक व्यक्ति और महिलाओं का वोट खुद डालने का आरोप अखिलेश ने राजा भैया पर लगाया, जिसके जवाब में राजा भैया ने कहा कि राजनीति में इतनी घृणा ठीक नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा के फरीदाबाद के केंद्र के वीडियो के मामले पर राजा अखिलेश भैया पर निशाना साध रहे थे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया और दोनों दलों के गठबंधन की वजह से ही राजा भैया अखिलेश से नाराज हो गए। अखिलेश यादव के साथ भी उसी समय से राजा भैया के रिश्ते खराब होने लगे। गठबंधन के दौरान राज्यसभा चुनाव 2019 के दौरान दोनों नेताओं के रिश्ते में कड़वाहट खुल गई। दरअसल अखिलेश चाहते थे कि राजा भैया गठबंधन के तहत राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन राजा भैया ने मायावती के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी को वोट दे दिया। इसके बाद से राजा भैया और अखिलेश यादव दो ध्रुवों पर नजर आए। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर राजा भैया उन्हें बधाई देने घर पहुंचे। इस दौरान राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और सपा के साथ उनके गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन अखिलेश यादव ने जब खुले तौर पर राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया, सपा और राजा भैया के बीच के गठबंधन पर पूरी तरह से विराम लग गया। राजा भैया और भाजपा के नजदीकी के खूब चर्चे हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा को रोकने की बात करके साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ उनका एजेंडा नहीं है। आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव राजा भैया पर वार कर रहे हैं और अब राजा भैया भी दोस्ती छोड़कर हर एक वार पर पलटवार कर रहे हैं।